नमस्कार, विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह एक बार पहले की बात हम कर लेते हैं। कल हमारा संस्मरण था बेगम शाहनवाज का संस्मरण, जिसमें वो बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने हजारों लोगों की जानें बचाई, और अगर वह प्रयास न किया गया होता तो मरने वालों की संख्या में वो लोग भी शुमार होते जिन हजारों लोगों की जान बच गई। अब आज के संस्मरण की बात करते हैं। आज का संस्मरण है प्राण नेविले का संस्मरण एहसान। आइए शुरू करते हैं। मैंने 1946 में दिल्ली में सरकारी सेवा में पदभार संभाल लिया था, मगर जब दंगे आरंभ हुए तो मेरे माता पिता लाहौर में ही थे। पिता डाक विभाग में थे, वह उन गिने चुने लोगों में थे जिन्होंने अपने आवेदन में पाकिस्तान में ही रहने को प्राथमिकता दी थी। मगर जब हालात खराब होने लगे तो उनके मुस्लिम दोस्तों ने उन्हें बमुश्किल कुछ समय के लिए लाहौर से चले जाने के लिए मनाया। 14 अगस्त को मेरे पिता ने अमृतसर के लिए रेलगाड़ी पकड़ी। उस दिन भी अनेक मुस्लिम दोस्त उन्हें इस रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए और स्टेशन पर मौजूद रहे। उन लोगों ने मेरे पिता व मेरी माँ को थोड़ी मशक्कत के बाद उस डिब्बे में बैठाया जहां यूरोपियन लोग बैठे हुए थे। वे अमृतसर पहुंच गए, मगर हमें उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। उन्होंने एक कैंप में कुछ दिन काटे, फिर एक दोस्त के यहां चले गए। दरअसल लाहौर छोड़ने के सदमे से उबर ही नहीं पा रहे थे। पहले उन्हें लगता था कि शायद कुछ दिनों बाद लाहौर वापसी हो जाएगी, मगर अब अमृतसर के हाल और दोनों ओर से आने वाली खबरें बता रही थीं कि लाहौर लौटना मुमकिन नहीं होगा। उन्हें शीघ्र ही अंबाला छावनी में अपने ही विभाग में नौकरी मिल गई, मगर वहां भी वह उदास रहते। आखिर 1954 में 58 साल की उम्र में वहीं पर उनका देहांत हो गया। पहले एक बार जून में भी उन्हें एक अजब हालात से गुजरना पड़ा था। लाहौर में उस दिन वह एक टांगे में मुगलपुरा से होकर लौट रहे थे कि रास्ते में दंगाइयों की एक भीड़ ने उन्हें रोक लिया। उन लोगों ने उनकी पगड़ी से उन्हें पहचान लिया था कि वह हिंदू थे। दंगाई अभी उनकी ओर तलवार व गंडा से लेकर लपके ही थे कि उन्हीं में से एक ने आगे बढ़कर सबको रोक दिया। उसने कहा, इस शख्स का मुझ पर जाति एहसान है, इसे कुछ मत कहना। उसके बाद वह हथियारबंद शख्स मेरे पिता को बीडन रोड तक छोड़ने भी आया। पिताजी उन दिनों अनेक प्रोफेसरों व शिक्षकों की नृशंस हत्या की बातें सुन चुके थे, मगर उन्हें तब भी लगता था कि यह एक जुनूनी वक्त है और जल्दी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार वह गलत सिद्ध हो रहे थे। तो यह तो था हमारा आज का संस्मरण प्राण नेविले का एहसान। अगले संस्मरण में आपसे फिर रूबरू होंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।